इधर आओ। यहाँ का पान बड़ा मशहूर है। ऐसा? दो पान लगा, इलायची, सुपारी, खुशबू। पहचाना इसको? बेटा आ लाडली, गले लग जा। भाभी वोरा की निशानी है। जाना, तेरे बाप का यार है इस साला। पहचाना? तेरे यार की बेटी है, बाली की बेटी। बाल लगा साले, ब्याह कर लाया हूं। बाल लगा, बाल लगा साले। Keep the change. तेज चला यार, जल्दी कर, वो अकेला ही वहां पहुंच गया। जी साहब, चला रहा हूं। ये ले। जिंदगी में कभी नहीं चाहता कि तेरे हाथों में पिस्तौल देखूं, पर किस्मत हमें घेर के वहां ले आई है लाडले, जहां खेल वैसे ही खेलना पड़ेगा जैसा दुश्मन खेलना चाहता है। चलानी आती है ना, गैरत के नाम पे कोई कितने ही थीसिस लिखे, कितनी भी बातें करे, पर याद रखना, बहनों के लिए हम मर जाते हैं फरहत, यही है हमारा कल्चर, यही है हमारी ट्रेडिशन। Thank you.
निकाह कर लिया? कर लिया। पान चबारी है मेरी बहू, इलायची सिपारी खुशबू, सलाम तो कर मर जानी। पहले दिन ससुराल आई है, सास सामने खड़ी है, नंद नहीं खड़ी। सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी नंद कहाँ है? मर गई है भाभी साहिबा। थप्पड़ मारूंगी बस, जान से नहीं मारूंगी। मैं तो सोच कर आई थी कि आपके सामने आई तो जान से गई। बहुओं को बस थप्पड़ शप्पड़ मारते हैं, जान से नहीं मारते हम। दो दिन की दुल्हन है तू, दो दिन सबर कर। आज उसने निकाह किया, परसों समझो तुझे दफा किया। बाली की बेटी को हवेली में रखोगे और सोचोगे कि तुम्हारी परसों भी हो जाएगी? नहीं होगी सासू साहिबा, आपकी तो सुबह नहीं होने वाली। सुबह नाश्ते पर मिलूंगी, आज रोजा नहीं रखूंगी। बाना, इनायत, लड़की को दुल्हा के कमरे में छोड़ कर आओ। अब कमीने का मुंह क्या देख रहे हो? अब खिलर जाओ, अब बाली को गोली मारो। कभी नहीं हो, अब गोली किधर में चला रहे हो? वो तो बीच में खड़ा है। ओए, ओ मर गया तू मेरा, ओ मर गया, आया मर गया सिस्टर, ओ मर गया है, हाय लड़े, आगे ना बढ़ा बाली। Don't move. मौजर नीचे फेंको, मैं कहता हूं मौजर नीचे फेंको। जनाब इतनी देर, फिल्मों में तो आप फौरन आ जाते हैं। गोली नहीं चलेगी बाली, एक आखिरी मौका दे दो मुझे। गोली चले बगैर बात ना चली तो मेरों की हवेली पर गोली मैं चलाऊंगा। बाली को हथकड़ी लगाओ। आपकी कसम जनाब, आप ना पहुंचते तो सिस्टर की कसम आज बाली को मैंने मार देना था। चलो चलिए, आओ जनाब आओ। La 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 la
बस रुक जाओ सब लोग, कोई आगे ना बढ़े। मेरा स्कूटर मिल गया, वो बच्चा भी मिल गया है जो मेरे स्कूटर की डिग्गी पर अपना नाम लिखता था। माफ करना मास्टर साहब, आज नहीं मानूंगा आपकी बात। मेरी बेटी मेरों के कब्जे में। तो कब्जे से छुड़ा लेते हैं, पुलिस यहां भांग उठने के लिए फिरती है, यही काम करते हैं वो। एक दफा इतबार तो करो उन पर। बॉक्स तो ये काम कर रही है पुलिस। पीछे मुड़ के देखो मास्टर साहब, जी आज दिन ढले तक की मोहलत मांगी है यावर साहब ने। एसएचओ साहब ने कहा है इंसाफ होगा, शाम तक देख लो, देखो होता है इंसाफ। चलो एसएचओ साहब, जिस दिन यहां सूरज ढलने से पहले इंसाफ मिल गया एसएचओ साहब, देखना उस दिन के बाद कोई बच्चा बाली नहीं बनेगा। चलो एसएचओ साहब, हवेली के अंदर आ गए हो तुम लोग। मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं मेहरू निशा मैडम, हवेली की तलाशी लो। थम के रहो इंस्पेक्टर साहब, मैं नमाज पढ़ने लगी, मेरी नमाज में किसी ने रुकावट डाली तो मेरा जिम्मा तोशपोश। रुक जाओ, सब पावर का गेम है मास्टर साहब। मैं बड़ा वो छोटा, वो बरादरी ताकतवर, वो बरादरी कमजोर, ये हुक्म वो बाली। आखिर में हवेलियां खाली। सी का हो गया हूं मास्टर साहब, 40 साल पावर देखी है मैंने, बेबहा पावर। तो उसके बदले में 46 साल पावरलेसनेस देखी है।
लानत है ऐसी पावर पर जो आखिर में इंसान को पावरलेस कर दे। जमा तफरीक करके हिसाब ये निकला है मास्टर साहब के बंदा पावर के पीछे ना भागे तो पावरलेस नहीं होता। इसको देखा है मास्टर साहब, बड़ा दबदबा था इसका, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। काश देखो कैसे पुलिस के आगे लगकर चल रही है। बंदा किसी की जान ले लेना मास्टर साहब, फिर पैसा लगाकर पावर दिखाकर बच भी जाए तो बचता नहीं है मास्टर साहब। खुदा एक ही बार में सारा हिसाब ले लेता है। जिस दिन मेरे कंधों पर हुक्म का जनाजा रखा तो मुझे पता चला खुदा जब बदला लेता है एकदम पूरा हिसाब ले लेता है। आपके कंधों पर जवान बेटे का जनाजा, 100 कत्लों के हिसाब जितना है मास्टर साहब। मैंने तो 10 मारे थे बस। आने जा रहे हो तो मैं चलूं? अरे जनाब आने नहीं जा रहा, मैं तो हुक्म की कब्र पे जा रहा। आपका भी स्कूटर गुम हो गया है मेहर साहब। बैठिए प्लीज। दूसरी पार्टी कहाँ है? रामी बैठिए। मेहरुन्निसा बेगम, आप
बात शुरू करें। बात शुरू करनी है डीआईजी साहब। पर्चा नहीं काटना। पर्चे तो कट जाते हैं मेहरुन्निसा बेगम, जेल हवालात भी हो जाती है, यही काम करते हैं हम। लेकिन कभी हम ये भी करते हैं कि दुश्मनों को सामने बिठा कर कहते हैं आखिरी मौका है, सुलह कर लो। मुझे मेरी बेटी मिल गई है, बहू मिल जाए तो मैं सुलह के लिए तैयार हूं। मैं नहीं हूं तैयार, सुलह नहीं होगी डीआईजी साहब। अब लड़ाई भी नहीं होगी मेहरुन्निसा बेगम, दोनों तरफ से एक गोली भी नहीं चलेगी और हम चलने भी नहीं देंगे। आप पुलिस की ताकत को जानती नहीं है मेहरुन्निसा, आप बस हम में से कुछ ऐसे लोगों को जानती हैं जो आप जैसों के हाथों में कठ पुतली की तरह नाचते हैं। मैंने आपके हुक्म को देखा है, उसका गुस्सा, उसका गुरूर भी देखा है, और फिर उसकी मौत भी देखी है। उसका मर्डर चाहे बहुत बड़ा जुर्म था, पर सच ये है कि गुंडे की उम्र हुक्म की उम्र से ज्यादा नहीं होती। इस कमीने को कहिए मर जाए, ये मर जाए तो कर लेती हूँ सुलह। शर्त मुझे मंजूर है डीआईजी साहब। मेहरुन्निसा बेगम से कहिए कि मेरी बहू मेरे वाले कर दे, भावें मुझसे मेरी जान ले ले। नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है डीआईजी साहब। हम किसी भी शर्त सुलह नहीं करेंगे। आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम भी देख लेंगे किसके बाजू में कितना दम है। दम खम की बात ना कीजिए जजी साहब, थम के रहिए तो अच्छा। आप चुप रहो पुनर, बड़े बात कर रहे हैं ना। मेरी बीवी को थाने बुलाया गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। कौन है आपकी बीवी? ये बैठी है ना सामने। अपने पॉप्स के साथ और देख रही है मेरी तरफ। ये झूठ बोल रहा है डीआईजी साहब, बकवास कर रहा है ये। एक मिनट बैठे रहो प्लीज। क्या नाम है आपका? रामीन। आप इसकी बीवी हो रामीन? बोलो ना, झूठ बोल रहा है ये कमीना। आप चुप रहो वाली, बोलो बेटा, आप पुनार की बीवी हो? जी, मैं बीवी हूँ इसकी। इसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी, लेकिन मैं शादी को मानने के लिए तैयार हूँ। क्यों तैयार हो तुम? क्योंकि इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमें एक लाश देनी होगी, तो मैं दे रही हूं वो लाश, पाली की बेटी की लाश। आप भी इसे कबूल कीजिए हंसा मेहरुन्निसा, मेहर हुकुम साहिबा, और तोड़ दीजिए रोजा। अपने बेटे की तरफ देख मेहरुन्निसा, बदले के नाम पर इस तरह के बेटों की कुर्बानी नहीं देते। कौर है लोग
लोग ये जख्म खाए हुए दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं माफ कर दो बाबा जी। आरज़ूएं कहां बेच कर आए हैं आज आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं एक मोहब्बत से ये ना संभाले गए एक मोहब्बत ना इनसे संभाली गई। माही का नाम भी मत लेना फरहाद कोई मुतालबा ना करना माही नहीं मिलेगी तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी वो होगी तो मिलेगी ना रामीन प्लीज फरहाद नया हिसाब शुरू हुआ तो थम के बैठे बदले के मारे लोग फिर आग बन के बरस पड़ेंगे तुम एक गम बर्दाश्त कर लो तो नस्लों पर मेहरबानी हो जाएगी एक दफा आंसा मैरूनिसा को कहने दो कि सुलह मंजूर है उसको उम्मीदों भरी जेब थी जैसे खाली मिली वैसे खाली गई क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से आज फिरते हो दिल को नकद हार के ये मोहब्बत भी दुश्मन की एक चाल है इश्क तो लाल है इश्क तो लाल है इश्क तो लाल है सुलह मंजूर है मुझे लेकिन यहाँ बैठकर मेरी बेटी का नाम कोई नहीं लेगा आपकी बेटी हमारी बहू है आंसा मैरूनिसा नहीं है वो आपकी बहू मैंने झूठ बोला था आपसे हम दोनों ने शादी नहीं की थी फैसला किया था कि हम सबको बताएंगे कि हमने शादी कर ली है तो मतलब माही हमें नहीं चाहिए वो जहां भी है खुश रहे फिर तो बात ही खत्म हो गई ना बस अब स्टाम्प पेपर पर सुलहनामा लिखाओ दोनों पार्टियों से साइन करवाओ मैंने किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाना रोजा खोलो सिस्टर नहीं मुनीर अहमद रोजा मैं रोजा खोलने के वक्त खोलूंगी पर कल से नहीं रखूंगी रोजा जाओ बाली साहब मौज करो जुग जुग जियो आप बनवा लो ना सुलहनामा जबान हो गई तो साइन भी हो जाएगी जैसे आपकी मर्जी तो फिर इजाजत है आबाद रहिए खुश रहिए चलो पुनार आ जाओ बहू रानी कल तुझे सास बनकर दिखाया था आज तुझे मां बनकर दिखाऊंगी बिस्मिल्लाह